नमस्कार सुजाता जी वेलकम और अहिंसा कॉन्वर्सेशन के लिए आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है नमस्कार आपका भी बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया है मैं तो शर्मिंदा हूँ हम कितने हफ्तों से महीनों से ट्राई कर रहे हैं और किसी कारण मुलाकात नहीं हो पा रही थी तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने ये समय और सब चीजों की रुकावटों को आ, से बचते हुए आज ये समय निकल पाए हम वंडरफुल तो <coughs> मैं कई लोगों से ये पहला सवाल ये पूछती हूँ कि जिंदगी में मतलब बचपन से अहिंसा का जो विचार है या उसका जो अनुभव है उसका सबसे पहला क्या आपकी यादाश्त होगी जी, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जितने भी कारण होते हैं जो भी कुछ कमियां होती हैं या जो कुछ भी सदगुन होते हैं उन सब का कारण शायद अहिंसा ही होता है जैसे हम हम कुछ भी करें हम जितनी भी बातें करते हैं किसी के प्रति क्रोध करें किसी के प्रति लोभ करें मेरे मन में जो तृष्णा है सब कुछ लेने की जो चाहत है वो सब, का सब जो है वो हिंसा का ही एक अलग अलग रूप है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बचपन में घर में ऐसा सुनती थी कि नहीं दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए अपने विवेकानंद की युक्तियां सुनती थी कि अपने पड़ोसी के से प्यार नहीं करते हो तुम और तुम ये दावा करते हो कि तुम धार्मिक हो तो तुम मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं तो ये सब बातें सुनकर मन में एक बात आती थी, थी कि त्याग करना त्याग करना जो है वो बहुत अच्छी बात है तो मैं सोचती हूँ कि जो त्याग है वो अहिंसा का ही एक शुरू का रूप है जब हम त्याग करने की शुरुआत करते हैं तो फिर उसमें एक आनंद आने लगता है छोटी छोटी जैसे हम अपने माता पिता के लिए त्याग करते हैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ करते हैं समाज में जैसे किसी के लिए कुछ अपने कुछ देना तो वो सब वो सब एक अहिंसा जो कि प्रेम का भी एक अलग रूप हो जाता था तो उसका कारण था लेकिन ये तो बचपन से बात ही होती रही लेकिन एक बार जब मैं वृंदावन में थी और मैं अपने पिताजी के साथ तो मुझे एक ऐसी ऐसी मुलाकात हुई जो एक 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 गड्ढे में बैठी हुई थी और उनका केवल सिर दिख रहा था तो मेरे पिताजी ने सोचा कि शायद उसके वो गिर कोई गिर गया है तो ले, उनको फीवर था तो उन्होंने कहा कि जाकर तुम थोड़ा देखो वहां पर तो मैं गई और देखी उनके उनको तो वो एकदम निर्वस्त्र थी एकदम निर्वस्त्र तो उन्होंने मुझे देखते ही अपने गुप्तांगों को ढक लिया और ढक के उन्होंने इशारे में कहा कि मेरे पास एक ही धोती है आ, और मैंने उसको ए, उस समय सर्फ का एक छोटा सा पाउच एक दो या दो रुपए में आता था मुझे वो ठीक से याद नहीं तो उसका एक पाउच फेंका हुआ था और बहुत ही बहुत ही प्रचंड धूप थी उसपे उन्होंने उसको कपड़े को फैला दिया था कि वो सूख जाएगी और फिर उसको वो पहन लेंगी तो मैंने पिताजी से आकर कहा तो पिताजी तो आंखों में आंसू आ गए और जितना मैं समझी उससे अधिक पिताजी की आंखों के आंसू और उस महिला के, के जो का, के चेहरे पे जो था और जो उन गुप्तांगों को ढकने के समय जो उनकी उनके अंदर का जो जो शर्म थी तो मैं अंदर दौड़ती हुई आई और पिताजी की दूसरी धोती लेकर उनके पास पहुंची तो मैं रोने लगी तो पिताजी ने कहा कि रोना से कुछ नहीं होगा कुछ कुछ करना है तो जल्दी करो और फिर देर करने से आदमी सोचती रह जाता है और नहीं कर पाता है उस समय मेरी उम्र कम थी शायद था मुझे याद नहीं पच्चीस साल तब तो इतनी बड़ी हो गई थी नहीं 25 की भी थी तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है और फिर और उस समय, उस समय समय जो एक इस पर मन मन हृदय सब पर जो एक छाप पड़ी कि आज के बाद अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं अच्छे गहने कभी नहीं पहनने हैं उन गहनों को मैं बेचकर इनके लिए लगाऊंगी अच्छे कपड़े आज से मैं नहीं पहनूंगी और ये सब जो बातें हैं मुझे लग रहा था कि एक अहिंसा की का एक जो छाप है कि दूसरे मतलब प्रेम जो अहिंसा जो प्रेम की ढल रहा था और वो जो एक मन में एक दूसरी मन की दूसरी स्थिति हो रही थी वो मेरे लिए बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और बहुत हृदय विदारक ऐसी बात इसको मैं आज भी जब याद करती हूँ और आंखें बंद होती है मैं अभी भी मेरे आंखों में आंसू होते हैं और मैं सोचती हूँ कि हमारे पास इतनी साड़ियां हैं तो मैं लज्जा में घर जाती हूँ आज ये कई हमारे जो गेस्ट रहे हैं इस कार्यक्रम में बहुत लोगों ने कहा है कि दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा जैसे समझना ही अहिंसा है लेकिन आपका करीब करीब आई थिंक सारा जीवन बिहार में बीता है जहां रोजमर्रा बहुत हिंसा की घटनाओं का सुनने में आता है एक पूरा दौर चला जिसमें वो अपहरण की एक पूरी इकोनमी फैल गई थी और गांव से लेकर शहर तक सुनने में ऐसे आता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक प्रकार की हिंसा है तो इस माहौल में आपने अपने इस असूल और इस भाव को कैसे बचा के रखा और इसपे आप कैसे आप टिकी रही जी बिहार के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनको जो बाहर के लोग हैं ना वो बिहार को एक दूसरे बिहार के रूप में देखते हैं जो बिहार में रहते हैं उनके लिए दूसरा बिहार है जैसे कि अब कोई गरीब आदमी है तो वो गरीब आदमी के हर चीज को लोग शक शक और सुबह सुबह की दृष्टि से देखते हैं उनकी हर बातों में गंदगी नजर आती है उन क्योंकि उनके साथ एक गरीबी शब्द जुड़ा हुआ है तो बिहार में जो घटनाएं घटती हैं तो हम लोग जो उसी बिहार में पले बरे हैं रचे बसे हैं तो हम लोग उसी घटनाओं के साथ बड़े होते हैं तो बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जिसको जैसे कभी कभी जो मीडिया है वो किसी बात को अधिक उछाल देता है और कभी किसी बात को कम उछालता है अपनी सुविधा अनुसार उनकी उनके सत्ता में ऐसे लोग हैं जो उनके अनुकूल हैं तो वो उस तरह से एक सुशासन की बात भी होने लगती है लेकिन अपहरण की घटना से हम इनकार नहीं कर सकते अपहरण की घटना है लेकिन यह भी सच है कि बिहार के लोग बहुत सीधे साधे भी होते हैं बहुत निश्चल भी होते हैं जैसे वो बहुत चालाकी नहीं जानते हैं उनके पास कोई बहुत बड़ी चालाकी की बात या बहुत बड़ी बात नहीं होती है वो छोटे छोटे बातों में उलझे होते हैं क्योंकि उनके सामने पेट की समस्या होती है तो पेट की समस्या उन्हें अपना घर अपनी जमीन अपना परिवार सब कुछ छोड़ के वो विस्थापितों की जिंदगी बिताने के लिए बाहर चले जाते हैं तो उस समय वो सोचते हैं कि मेरे पास अब कोई कुछ ऐसा बचा नहीं बाहर के लोगों को वहाँ के धनी लोगों को वहाँ की, की उनके आराम को उनके कंफर्ट को जब देखते हैं सोचते हैं मैं भी कैसे पा सकता हूँ तो एक आसान तरीका में जो लोग उनमें कुछ कुछ जो असामाजिक तत्व तो होते हैं वो उसको अपहरण के व्यवसाय उसको भी एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं लेकिन 99 परसेंट लोग बिहार के 99 नाइन परसेंट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट में कह सकती हूँ ऐसे नहीं है वो लोग सबके सब मेहनती भोले भाले और बिहार में ए, कुछ कम मेहनत करते हैं बाहर जाकर अपने राज्य से जब बाहर जाते हैं तब अधिक मेहनत करते हैं और पूरे देश में मेहनत के लिए जाते हैं और लेकिन पॉइंट वन परसेंट के जो लोग हैं अधि ऐसे बातों को व्यवसाय बनाते हैं तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि शायद वहाँ पर सब कुछ अजीब सा है और बहुत ही ऐसी स्थिति है कि कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है और उसमें कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी या हमारे जो आराम तलब लोग हैं और वो लोग जो कि जाती संघर्ष और इसको बुरा मानते हैं जैसे कोई कोई जो निम्न जातियां जिनको कहते हैं वो अति ऊपर उठती नजर आती है तो ऐसी बहुत सारी बातों को एक अलग मोड़ दे दिया, दिया जाता है तो ये भी एक कारण ऐसा होता है जिससे कि सब कुछ थोड़ा भयावह लगने लगता है लेकिन ऐसा भयावह बिल्कुल नहीं है मेरे मेरे सामने ही मैं जब ट्रेन में एक बार जा रही थी तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मुझे बिहार में जाना था मैं मुंबई में हूं तो मुझे पूछा गया कश्मीर जाओगे कि बिहार तो मैंने कहा कि नहीं मैं बिहार नहीं जाऊंगा क्योंकि बिहार में आलू आलू बोलने से बम आ जाता है वो एक ऐसा कोई कोड वर्ड है और इस तरह की बातें बाहर में थे जो मैंने बिहार में कभी नहीं सुनी और कभी नहीं जाना तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि वो अत्यधिक रूप, रूप में एक पॉइंट वन परसेंट के कारण पूरे बिहार को इस तरह से जी, जी. बाहर के लोग और बुद्धिजीवी लोगों तो ने देखा है जी आ, आप जैसे अपनी बात रख रही थी तो मुझे ख्याल आया कि आखिर जो मशहूर नारा है जिसको हम आप और मैं तो मान सकते हैं कि ये हमारी जनरेशन का नारा है आजादी के तीस चालीस साल बाद का बनाया हुआ कि हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा वो भी तो पटना के गांधी मैदान में ही उसका आह्वान किया गया और जी, जी. हमारे कई जी. गेस्ट्स ने अपने अनुभव इस नारे को लेकर अपने अनुभव बहुत अच्छे बताए हैं लेकिन आज के जो माहौल में हम जी रहे हैं आज 2024 में अः उसमें जो हमारे एक्टिविस्ट सर्कल के बाहर की जो दुनिया है उसमें मैं पाती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि ये है तो बहुत नेक विचार के हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा लेकिन आज की दुनिया में ये प्रैक्टिकल नहीं है यह व्यवहारिक नहीं है तो आप इस आप कोई भी ये बहुत लोग ये बात कहते होंगे तो इसका आप कैसे इसका कैसे आप जवाब देती हैं या इसकी क्या प्रतिक्रिया रखती हैं आप जी दरअसल जब ये नारा दिया जा रहा था तो उस समय मैं क्लास सेवन में थी तो बहुत मुझे बहुत याद नहीं है जी लेकिन जी मैंने बाद में सुना है जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायियों से और उन लोगों से सुना है बहुत और बिहार में इस पर चर्चा होती रहती है होती रही है आजकल कम होती है तो लेकिन जो मैं मैं जैसे गांव में काम करती हूं और बच्चों के शिक्षा के पीछे के उस पर काम करती हूँ महिलाओं के साथ काम करती हूँ तो मैं खास करके गाँव में और जहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके पास काम करती हूँ तो आपको आपको मैं नहीं कहूंगी कि आपको आश्चर्य लगेगा क्योंकि आपने बहुत देखा सुना और बहुत जाना है लेकिन फिर भी बहुत लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जितनी हिंसा की बात हम सोचते हैं उस तरह की आम जनों के मन में नहीं है खास करके बच्चों के मन में गांव के लोगों के मन में स्त्रियों के मन में अभी भी एक दूसरे के दुख से आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब मैं मेरे जब मैं स्कूल जाती हूँ तो कोई महिला आती है उस स्कूल के चार सौ और पांच सौ मैंने फीस रखे हैं ट्यूशन फीस जो होता है लेकिन उसमें भी उसमें भी ऐसा है कि बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल हैं और, और फिर बहुत सारे बच्चों को हम लोग खुद पढ़ाते हैं खास करके लड़कियों को तो हम लोग अपनी तरफ से उनका फीस भी देते हैं तो कितनी कितनी स्त्रियों ने कहा कि दीदी ऐसा करिए ना कि मेरे बच्चों का फीस पूरा ले लीजिए लेकिन इनके पति नहीं है इनके बच्चे छोटे हैं इनका बेटा तो आपके यहाँ पढ़ रहा है बेटी नानी के घर में है तो मैं ननिहाल से इसको बुलवा लीजिए इसको आप पढ़ा दीजिए तो मैंने ये देखा है कि हम लोग जो सोचते हैं ना कि जिस तरह की मेरे मन में जो पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत ही सुखी संपन्न और समृद्ध लोग हैं उनके मन में जिस तरह की एक ऋष्या है एक तरह की स्पर्धा है और एक तरह की हिंसा है वो नहीं है उन लोगों के बीच एक दूसरे के तो जब हम वहां पर ऐसी बातें करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों या मेरी प्यारी बहनों या भाइयों जो आप लोग लोग हम लो से मिलके ऐसा समाज बनाएंगे जिस समाज में भाईचारा होगा जहाँ कोई धर्म के नाम पर कोई एक दूसरे से नहीं लड़ेगा और हम लोग एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत करेंगे एक प्यार करेंगे कोई लिंग भेद नहीं होगा तो सब लोग इतने खुश हो के एकदम आके फैला के हाँ दीदी ऐसा होगा बहुत अच्छा होगा तो मतलब ऐसी बात है कि हम हम अपने मन में हिंसा नहीं लाएंगे हम नहीं लड़ाई करेंगे आपको पता है ये बात हमें किसने समझाई तो तो बच्चे किसने तो मुझे गांधी जी ने बताया और गांधी जी ने बताया कि आप सब हमारे भाई बहने हम लोग एक ही ईश्वर की संतान है तो जब हम उनसे ऐसी बातें करते हैं और हम उनको अपने स्कूल में लाते हैं तो कुछ दिनों तक सब शुरू शुरू की बात है तो कुछ लोगों ने थोड़ा विरोध किया बाद में एक दिन एक ब्राह्मण की पुत्री थी वो एक जिसको जिसको दलित भी अपने से माने अपनी पायदान में सबसे नीचे मानते हैं उनकी लड़की को उनकी, उनका बच्चा था लड़का था लड़का तो उसके जूते का फीता फूल गया खुल गया था तो वो जो ब्राह्मण की बेटी थी वो दौड़ती हुई गई और उसके जूते के फीते को बांधने लगी तो मेरे जो वहा के प्राचार्य थे उन्होंने मुझे तुरंत उसकी तस्वीर भेजी तुरंत मिनट में तो मैंने कहा कि ये जो है बच्चे लोग हैं ये जो समाज है ये सब अच्छा है बस जरूरत है हम लोगों को निराश नहीं होने की और 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 अधिक और अधिक इससे काम करने की तो मुझे मैं जो काम करती हूँ और जहाँ जाती हूँ तो मुझे कभी निराशा नहीं होती बस मुझे लगता है कि हमें और करना चाहिए था हम नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों को और अधिक करना चाहिए ये मेरे मन में बार बार बात आती है जी, मेरा जो जी, अपना है जी नहीं मैं आपके भाव की बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन यहाँ ये भी दोहराना जरूरी है कि आपने तो कितनी दर्जनों किताबें लिखी हैं गांधी जी के विचारों पर उनके जीवन पर और ये जो आपकी किताबें हैं उनमें से किस किस लेवल की हैं थोड़ा वो बताइए मतलब ज्यादातर वो बहुत बुद्धिजीवी ऑडियंस के लिए हैं कि आपने बच्चों के लिए भी लिखा है और जो जिसे कहें कि बहुत जो सीरियस रीडर ना हो लेकिन फिर भी उसको उसमें रस आए तो जरा रेंज बताइए कि आपकी ऑडियंस क्या रही है इन किताबों की जिन पे आपने गांधी जी के विचार रखे हैं जी एक बच्चों के लिए तो एक किताब बापू की ही है बापू की पोथी है वो तो मैंने उसको थोड़ा उसमें चित्र बनाए अपने से और उस कथा के उस पाठ के अनुसार जो उस पाठ में था जैसे वो शांता है और उसका भाई है तो झाड़ू लगाने का है दोनों उसी समय आज से सवा सौ साल पहले गांधी जी कहते हैं कि नहीं घर का काम दोनों करेंगी बेटियां भी करेंगी और बेटे भी करेंगे उसकी माँ माँ के रूप में गांधी कहते हैं अपने बेटे से माँ कह रही है नहीं ऐसा नहीं होगा कि तू घर का काम केवल शांता करेगी दोनों करोगे दोनों को घर के काम करने हैं तो उसके हिसाब से मैंने उस चित्र बनाए जो वो माँ कह रही है तो वो तो बच्चों के लिए है जो मैंने पच्चीस हजार परतियां छपवाई थी और बिहार के बहुत सारे स्कूलों में उसको क्लास वन में चलवाया है और हमारे तो सभी स्कूल और बाबा पाठशाला में चलते हैं और जैसे आप चंपारण के बारे में तो आप जानती हैं चंपारण में गांधी जी आए थे तो मेरी एक किताब आई है सौ साल पहले चंपारण का गांधी और वो जब गांधी जी का सौ साल चंपारण हो रहा था तो वानी प्रकाशन से आई है हालांकि वो एक नावेल के रूप में है नॉवेल है तो प्रयाग शुक्ल जी हैं उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई चलचित्र देख रहा हूँ वो इतनी मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा कि मैं इस बात की चर्चा कहीं कर सकती हूँ क्या कि आपको ऐसी लगी किताब तो उन्होंने कहा कि नहीं इतनी ही ना करें आप ये बताएं कि गांधी फिल्म के बाद मुझे कोई सबसे अधिक उस पर किताब अच्छी लगी है तो वो है चंपारण का गांधी और मुझे वो वो शब्द चित्र की तरह लग रहे थे तो उसमें उस वो जो कहानी है वो आज भी किसानों की कहानी है कैसे एक किसान राजकुमार शुक्ल नाम का किसान कैसे वो अंग्रेज से अंग्रेजी हुकूमत से और साहब से और साहब के के दरिंदगी जो उनके ऐसे कानून थे उससे कैसे वो लड़ता है और किस तरह से संघर्ष करता है और एक छोटा सा किसान अपना सब कुछ लुटा देता है लेकिन झुकता नहीं है सत्ता के सामने और एक दिन गांधी को चंपारण ले आता है और गांधी को चंपारण लाकर और उस उस पूरे आप जानती हैं पूरे उसको कैसे गांधी करते हैं तो उसको एक बहुत ही रोचक ढंग से और एक उपन्यास के शैली में उस पूरे इतिहास को लिखा गया है जो शायद वो, उस पर कुछ दो तो तीन जगह उस पर इस पी और एम भी हुए हैं और वो किताब भी लोगों और दूसरी किताब है खाली तो खाली जो है वो वो भी उपन्यास के शैली में लेकिन वो इतिहास है। और वो मैं वहां जाकर इस किताब को लिखने के दरम्यान क्योंकि उस समय ऐसा था ना कि जो एक दौर था कट्टरों का दौर तो जो कट्टर हिंदू थे वो गांधी जी से कहते थे कि आप मुसलमानों की फिक्र करते हैं और जो कट्टर मुसलमान थे वो कहते थे कि आप हिंदुओं के फिक्र करते हैं और गांधी वो वो का, का तो, तो वो मानवता की सेवा कर रहे थे तो उनकी जो मानवता की सेवा को वो जिस तरह से वो अपने जा, जान को हथेली पे लिए नी में घूम रहे थे उसको मैंने एक एक उस रूप में प्रस्तुत करने का ये किया है कि कैसे वो एक रोचक ढंग से जो लोगों को थोड़ा उस किताब को भी बहुत सराहना मिली और उसका चयन भी हुआ पुरस्कार के लिए भी और भी उस किताब जैसे और है राष्ट्रपिता और नेताजी गांधी जी और राष्ट्रपिता के नेता जी और राष्ट्रपिता के बीच में जो बहुत सारी बातें हम आजकल सुनते हैं तो मैंने दोनों की बांगमे का सहारा लिया है कि दूसरों के बातों को नहीं लिखा है कि हो सकता है कोई वास्ट हो कोई कुछ हो और ये तो जान मैं भी और हम सभी मानते हैं कि दोनों भारत माँ के महान सपूत थे तो उस हिसाब से उन दोनों की बातों को उसमें लिया उसी तरह से राष्ट्रपिता और भगत सिंह का भी ऐसा ही है फिर एक सत्य के दस्तावेज है जो वो सब ये सारी किताबें वाणी प्रकाशन से आई है जी जी और और सत्य के दस्तावेज हैं वो भी उसमें महात्मा गांधी पे जो आठ आरोप लगाए जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया पटेल को क्यों नहीं बनाया सुभाष बाबू को क्यों अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया अम्बेडकर पूना पैक्ट में क्यों उनके साथ ऐसा हुआ परम चर्च के प्रयोग उन्होंने क्यों किए कस्तूरबा के साथ उन्होंने क्यों ज्यादतियां की और पार्टीशन क्यों नहीं रोका पचपन करोड़ रुपये क्यों उनको दिए गए ऐसी सारी जो बातें हैं उनको उससे एक नाटक के रूप में एक एक कोर्ट है जहाँ पे दोनों अधिवक्ता वादी अधिवक्ता और अधिवक्ता उसमें है और वादी अधिवक्ता आरोप लगाते हैं और प्रतिवादी अधिवक्ता फैक्ट्स को रखता है कि वस्तु तो स्थिति क्या है और उन फैक्ट्स के को रखता है और वो इस तरह से उसको कोशिश की गई है ऐसी और भी लगभग चौबीस किताबें हैं तो महात्मा जी जी। के अध्यात्म है गांधी की नैतिकता है और जैसे और इसके अलावा कुछ नॉवेल जो महिलाओं से संबंधित है जो मुझे अपने काम करने के दौरान जिन महिलाओं से भेंट हुई और जैसे ये किताब है वह वा, वानी प्रकाशन से आई है क्या कहूं जो अब तक नहीं कही उसमें भी मेरे वृंदावन में एक मेरा महिला आश्रम है जहाँ पर एक ऐसी महिला रहती थी जो नौ साल की उम्र में जिनकी शादी हुई और ग्यारह साल की उम्र में जो विधवा हो गई और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटी संघर्षों के साथ काटा और संजोग से अंतिम समय उन्होंने मेरे ही महिला आश्रम में गुजारा और मुझे अपने प्यार से किस तरह से सिंचित किया तो मैं उन्होंने अपनी जब सारी कहानी बताई वो कट वो सारी कहानी ऐसी है जो सुनने मात्र से सिहर जाता है मन जिसको उन्होंने भोगा तो उस तरह की भी बहुत सारी महिलाओं की कहानी है और कहानी संग्रह में भी ऐसे ही महिलाओं की कहानी जी ये महिला आश्रम वृंदावन में जहां आप जुड़ी हुई हैं जी वो मेरा ही आश्रम है जी मैंने ही बनाया है उसको जी जब मेरे पिताजी की जब मेरे पिताजी से वो बात हुई थी तो मैंने अपने सब कुछ जो मेरे पास उस समय था उसको हटा के मैंने वहां पर एक महिला आश्रम बनाया और आज वो महिला आश्रम उतने सालों से अभी तक वो चल रहा है और वो अभी भी है और आपने कब, उन्ही, आप उन्ही कब आग... इसकी स्थापना कब हुई होगी ये इसकी स्थापना एट में हुई जी. इतने साल हो गए पर इतने ये इतने आज भी ये हालत है कि विधवा महिलाओं को बस वृंदावन में छोड़ दिया जाता है क्या आज भी ऐसा हो रहा है जी ऐसा जो छोड़ दिया जाता है ना उसमें ये नहीं कह सकते कि छोड़ दिया जाता है हम ऐसा मान सकते हैं कि अभी का जो या पहले भी जो था एक तो हमारे यहाँ के जो धार्मिक मान्यताएं हैं कि हम जो घर में रहेंगे पति नहीं है मेरा कोई घर संसार नहीं है बच्चे भी नहीं पसंद करते तो बंगाल में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का एक प्रभाव है और एक धार्मिक रामकृष्ण कृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद इन लोगों का भी प्रभाव है लेकिन खासकर चैतन्य महाप्रभु का तो एक वृंदावन से उन लोगों का एक कनेक्शन है तो वे सोचती हैं कि यदि हम वृंदावन चले जाएंगे तो हमें जो जैसे बनारस में मोक्ष मिलता है तो वृंदावन में हमें गोलोग मिलेगा और जैसे कोई यदि युवा है उनको घर में प्यार नहीं मिला तो ऐसा सोचती है कि जो कृष्ण है जो गोविंद है वही मेरे पति होंगे वही मेरी प्रेमी होंगे मैं ये नहीं कहती कि उस पर सभी लोग ऐसे ही मानकर जीवन बिता देते हैं कुछ के जीवन में कुछ प्रेम होता भी है कुछ मिलता है लेकिन बहुत सारी हैं ऐसी भी जो कि उसी प्रेम को जो उसको अलौकिक प्रेम मानती हैं और जिसको कभी देखा नहीं मैं जो जैसे मेरी ही जो नायिका है जो नाइनटी एट ईयर्स में गई तो वो जब मैं उनको कहती थी कि अरे आपके तो प्रेमी श्याम सुंदर है ना जब वो आएंगे गोविंद तभी तो आप जाएंगी तो उनकी गाल और उनका जो गोरा रंग था वो अभी उस समय उस नबे साल की उम्र में एकदम लाल हो जाता था कि जैसे उस में उनके प्रेमी हो तो इस तरह की भी जो बातें होती है ना उनको एक जीवन में सुकून भी इसके लिए इतने सारे कष्ट को सहन करती है वो और वो सोचती है कि एक दिन मेरा परलोक अच्छा होगा एक दिन मैं उनसे मिलूंगी जब मैं मरूंगी तो मैं गोलोक जाऊंगी और जहाँ जिस लोक में कृष्ण रहते हैं और ये जो वृंदावन है वो चिनमय में, चिन में धाम है यानी चिनमय वृंदावन है और ये चिन में गोलोक है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कितने भी कष्ट हो मैं सहन करूंगी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं ऐसे, ऐसे भी कुछ लोग हैं और बहुत सारे तो जिनके बच्चे जिनको छोड़ देते हैं वो भी हैं और उनकी भी बहुत ही करुण दास्तान है बहुत करुण कहानी है ऐसे, ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो इस बात को, पर सोचने को मजबूर भी कर देता है कि क्या ये सचमुच में हम लोग मानव कहलाने के लायक भी हैं उनकी कहानियां सुनकर ऐसा भी लगता है कि नहीं शायद शायद नहीं तो ये आपका जो आजकल व्हाट्सएप पे प्रयास है महात्मा की वाणी कमाल है कि आप रोज उसको अपडेट करती हैं एक तो पहले मैं आपको मुबारक देना चाहती हूँ कि वो कितनी खूबसूरती से आप उसको नरेट करती हैं और वो कितने छोटे चुट छोटे हैं बिकॉज आप आई थिंक आपने इस पर काफी रिसर्च की है और इसलिए आपको उसको बिल्कुल जो आज की इस समय की जो कहते हैं मांग तो पता नहीं बस इस समय का जो मूड है कि बात छोटी सी हो और जल्दी से कही जाए उस सब को देखते हुए मैं मानती हूँ कि ये बहुत एक आपका अद्भुत प्रयास है तो ये आपको आइडिया कैसे आया जी ये महात्मा गांधी का साल की जब जयंती मनाई जा रही थी डेढ़ सौ साल पूरे होने की, तो मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि धर्म को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं जो एक अलग तरह के धर्म का एक पूरा एक तैयार किया जा रहा है एक धरातल जिस पर की धर्म एक दूसरी तरह की चीज दिखती है जैसा हम लोगों ने जिस धर्म को समझा देखा थोड़ा बहुत भी जो समझने की कोशिश की है उससे बिल्कुल अलग है तो मैं, मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी दो मिनट में कि मेरा जो जन्म है एक वैष्णव परिवार में हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारी अधिक धार्मिक वातावरण था और बहुत धर्म की बातें होती थी और मैंने खुद भी चैतन्य महाप्रभु पर पीएचडी किया है और उन पर एक नॉवेल भी लिखा है नीलांचल चंद्र करके तो ऐसे लेकिन मैं धर्म को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन जो कुछ था तो मैंने गांधी के बांगमे को पढ़ा और वो 100 103 खंडों का है तो मेरे पास 100 खंड हैं तो जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने पूरे बांगमे में गा, गांधी के अध्यात्म को देखा कि गांधी अध्यात्म के बारे में क्या सोचते थे तो मैंने किताब भी लिखा महात्मा का अध्यात्म केवल उन्हीं के उनको संग्रह किया और मैं, मैं सोचा कि ये जो सारी अध्यात्म की बात गांधी की है उसको मैं गांधी के डेढ़ सौ जयंती पर लोगों के पास इस रूप में लाऊंगी जो वो डेढ़ सौ डेढ़ सौ इसमें होगा तो वो डेढ़ सौ जब बने वीडियोज तो उसमें एक सौ इक्यावन बन गए जब वो डेढ़ सौ वर्ष मैं बना रही थी तो उसमें सारी बातें केवल धर्म को लेकर है तो गांधी जी के कारण मेरे मन में जो कन्फ्यूजन था धर्म को लेकर धर्म क्या है और क्या यही धर्म है क्या मूर्ति पूजा ही धर्म है केवल वृंदावन में ये जो मंदिरों में पूजा होती है क्या यही धर्म है तो गांधी ने जैसे मेरे मन में जो बातें थी जो कंफ्यूजन था लगा डेस्टर लेके उसको उन्होंने जैसे साफ कर दिया हो और एक, एक जो धर्म है एक तो धर्म का जो एक स्वरूप है जिसको तो गांधी सोचते थे वो मेरे मन मस्तिष्क पर जैसे लगा कि नहीं सच्चा धर्म तो ही है फिर मैं साधु से भी पूछती थी वृंदावन के संतों से भी पूछती थी कि भगवान का भजन का, क्या, के का के क्या मतलब है क्या मूर्ति की पूजा करना भगवान का भजन है भगवान से प्रेम करो का क्या मतलब है भगवान की मूर्तियों से प्रेम करूँ तो वो मेरी बात का जवाब नहीं दे पाते थे तो फिर गांधी कहते थे कि नहीं भगवान से प्रेम करने का मतलब है कि तुम उनकी सृष्टि से प्यार करो जो उनकी सृष्टि से प्रेम करो जो जिनको जरूरत है उनसे प्रेम करो जिनको तुम सेवा कर सकती हो उनसे प्रेम करो तो फिर मेरे मन में वो बातें आती गई तो एक मेरे मन मस्तिष्क पर तो महात्मा गांधी का एक रीन है जो 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 उन्होंने मेरे कंफ्यूजन थे मेरे अन, मन अंदर में जो द्वंद था धर्म को लेकर उसको उन्होंने दूर किया तो ये अध्यात्म महात्मा का अध्यात्म जो है महात्मा की वाणी के रूप में मैंने वो एक सौ मैं ये बता रही थी कि एक आदर्श व्रत के जो गांधी के हैं सत्य और अहिंसा तो सत्य और अहिंसा की रिकॉर्डिंग हो चुकी है इसके जस्ट की बातें खत्म होती ही सत्य और अहिंसा शुरू होगी और आजकल ब्रह्मचर्च को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती है कि तो मैं गांधी जी का जो है उसका क्या मतलब था और वो क्या सोचते थे वो भी उनकी उसका भी उसमें एकादश में वो भी है और जैसे ब्रह्मचर्य को लेकर ही बहुत सारी बातें कही जाती है और वृंदावन में बहुत सारे साधु हैं महात्मा हैं तो और वो उनका स्त्रियों के प्रति उनकी जो एक भोगवादी लालसा भी है और एक नफरत भी है जो समाज के सामने मैं उसको भी देखती हूँ और स्त्रियों को किस तरह से अपमानित होना पड़ता है ब्रह्मचर्य के नाम पर वो भी वो भी देखा है तो गांधी जी का जो ब्रह्मचर्य था उसमें स्त्रियों का सम्मान था वो उसको ब्रह्मचर्य मानते ही नहीं थे कि जो हम स्त्रियों को देखने मात्र से जिसका समाप्त हो जाता है वो ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है तो वो वो तो तो कोई एक सी चीज़ होगी तो मुझे वो पढ़ने के बाद बहुत आकर्षित मेरा मन हुआ था तो मैंने उसके बाद गांधी के आदर्श व्रतो से उनको निकाला है जिसमें सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्ज सर्वधर्म संभाव अपरिग्रह सारी वो स्वदेशी जाग सभी है उसमें अस्पृश्यता तो उस पर भी एक वो बन रहा है तो मुझे आशा है कि वो लोगों को शायद पसंद कस... कितने लोगों तक ये पहुंच रहा होगा ये जैसे अब आपका एक तो ये WhatsApp का ब्रॉडकास्ट ग्रुप है आ, तो उसमें कितने लोगों को जा पाता है और मतलब उसके अलावा कितना कुछ फैल रहा है क्यों मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं कई बार मेरे बारे में तो ये सच है कि मैं जित जितना अब टेक्नोलॉजी के आधार पर आप लोगों को पहुंच सकते हैं मेरे में वो काबलियत नहीं है आ, उतने लोगों तक पहुंचने की आ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि शायद आपका अनुभव बेटर है और आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही हैं क्योंकि इसका कुछ एक वो पूरा मैकेनिज्म है जो मुझे मेरे तो समझ में बहुत ज्यादा नहीं आता बताइए आप अपना अनुभव बताइए जी मैंने इस पर बहुत अधिक ध्यान तो नहीं दिया है लेकिन जैसे मैंने कुछ वीडियोज बनाए थे जैसे क्या महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत सारे वीडियोज अलग से भी बनाए हैं ये तो ऑडियो है कुछ वीडियोज बनाए थे तो उसमें कुछ हजार लोगों तक कुछ हजार लोगों तक पहुंचने कभी दस हजार लोग उन्हें देखा जिसमें बनाया कभी एक गांधी नेहरू पर भी नह, पर भी था कि क्या नेहरू जी मुसलमान थे और इस तरह की बातें तो जो समय हो रही थी तो मुझे लगा कि ये भी एक माध्यम है जिससे हम गांधी की बात जब उन लोगों ने देखा तो मुझे लगा कि यह भी एक माध्यम है जिससे मैं उन लोगों तक अपनी गांधी जी की बातों को पहुंचा सकती हूं शायद और मैं इसमें लगी रहूंगी आगे भी हार नहीं मानूंगी भेजती रहूंगी ये ओ, बहुत बढ़िया ये जो आपका भाव है इसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनका कहा ना शुक्ल का कि वो मतलब हारे नहीं तो मुझे लगता है कि यही आज हमारी भी यही हमसे भी यही आज मांग है दिस इज द नीड ऑफ अवर टाइम्स के हार नहीं माननी और तटस्थ भाव से लगे रहना जी वो जी, तो इसमें आप बताइए कि कैसे लगा जाए बिकॉज़ बहुत सारे मुझे नौजवान मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई ये सब बातें बड़ी हमें आ, अपीलिंग है हमें विचार के स्तर पर हृदय से अच्छी लगती हैं लेकिन इन पे आ, लगे रहना इन पे एक्चुअली काम करना जो है हमें बहुत मुश्किल लगता है इस समय में जब घृणा और एक कम से कम मौखिक हिंसा का माहौल है तो जी। ऐसे नौजवानों का आप क्या एडवाइस देंगी उनको आप क्या सलाह देंगी कि वो अपने हौसले कैसे बना के रखें और ताकि उनके मतलब हौसले बुलंद रहे <laughs> जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राजकुमार शुक्ल जो थे वो एक छोटे से किसान थे और उनकी कोई उस अंग्रेजी हुकूमत तो और निलहे साहब के सामने उनकी कोई अहमियत नहीं थी कुछ भी नहीं थे और उनको यूं ऐसे हम सोचते हैं ऐसे मसल सकते थे जैसे, जैसे मच्छरों को मसल सकते हैं उस तरह से उनको मसल सकते हैं जैसे हम आज अपने को असहाय पाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन आज हम लोग राजकुमार शुक्ल को जो याद कर रहे हैं वो इसके लिए नहीं याद कर रहे कि उनके पास 100-200 एकड़ जमीन है और वो एक धनी किसान थे और वो बहुत मौज में रहते थे और वो बहुत ही कोई उनके उनके पास कोई बहुत ही बड़ी जमींदारी आ गई थी हम उनको आज इसके लिए याद कर रहे हैं कि वो उन्होंने कैसे संघर्ष किया तो हमें लगता है कि हम लोगों को हम लोग जो मिडिल एज के लोग हैं उन लोगों को भी नौजवान तो तभी समझेंगे जब हम लोग करेंगे तो हमें ये सोचना होगा हमें ये करना होगा और हमें करने की पूरी कोशिश और अधिक तेजी से करनी चाहिए कि यदि हमें भी हमें भी ऐसा लगता है कि कल हमें भी कोई याद करे मान जी हम छो, छोटा सा भी मन में रखे हम जैसे गांधी कहते थे कि मेरा कोई भी काम किया हुआ एक शून्य से बड़ा नहीं है मैं ये सृष्टि में जो भी काम मैं करता हूँ ये सच पूछो तो एक शून्य है लेकिन मैं करूँ तो क्या करूं मैं सृष्टि कर्ता का कर जो मैं सेवक हूं तो मैं बिना उसके काम रह नहीं सकता लेकिन मेरा काम करने का कोई बहुत मायने इस सृष्टि में नहीं है तो जब गांधी के काम करने का कोई बहुत मायने नहीं है तो हमारे काम का क्या मायने हो सकता है लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक अमरत्व की लालसा है सब लोग हम लोग कोई मरना नहीं चाहते हैं सब लोग चाहते हैं हम अमर हो हम जिए और इसका इसका हम मिस्र से लेकर भारत तक में अमरत्व की प्राप्ति का हम देखते हैं कि कैसी कैसी कोशिशें हमने अमर होने के लिए की है तो आज जो रामचंद्र राजकुमार शुक्ल अमर हैं वो राजकुमार शुक्ल को उनके संघर्ष ने अमर किया है तो हम भी एक पिरामिड में न रखकर हमें कोई एक तरह का लेपन न लगाना पड़े हम अमर हो सक हो सकते हैं अधि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं अगर हम सत्य के साथ खड़े होते हैं अगर हम एक बार भी अपने सत्य के साथ खड़े हो जाते हैं मेरे पड़ोस में किसी के साथ कुछ हो रहा है हमारे आस पास में कोई हो रहा है कोई स्त्रियों पे कुछ अत्याचार कर रहा है कहीं भी ऐसा लगे और हम खड़े होते हैं तो हमारे अंदर भी वो राजकुमार शुक्ल और वो गांधी और वो विवेकानंद वो सब सब आ सकते हैं और मुझे लगता है कि हम नौजवानों को भी उनके अंदर तो बहुत जोश है और उन्हें कहना है कि उन्हें ये समझना होगा और हम लोग अपने कार्य से उन्हें समझा पाए कि हम लोग जो काम कर, करें उसमें अमृत की प्राप्ति होगी तो शायद मुझे लगता है कि आज भी विवेकानंद तैतीस साल की उम्र में मैं दो बार तीन बार विवेकानंद जी का नाम इसके लिए ली हूँ क्यों अभी मैंने एक जस्ट उनके ऊपर ही एक नॉवेल लिखा है जो अभी अभी खत्म हुई है और और उसकी तो उपन्यास जो है वो विवेकानंद के अलग विवेकानंद है जो जो हिंदुत्व वाले विवेकानंद नहीं है जो स्त्रियों के दर्द से जो कराहते हैं जो भारत के शोषितों और बंचितों के लिए जिनका मन रोता है जिनका तरपता है जो अमेरिका की औरतों के लिए बोलते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर तक उसका ऋणी रहूंगा और कहते हैं कि यदि मैं हिमालय को कलम बना दू और सागर को इंक बना दू और पूरे धरती को कागज बना दू तो भी मैं अमेरिका की औरतों के रोड़ी नहीं हो सकता हूँ और एक एक सन्यासी का औरतों के प्रति ऐसी जो निष्ठा है उसको जब मैं देखती हूँ कि विवेकानंद ने क्या किया वो तो बहुत कम उम्र में चले गए और इतनी कम उम्र में जाकर वो क्यों अमर हैं क्योंकि उन्होंने शोषितों और वंचितों के दर्द को समझा था नहीं तो साधु और सन्यासी तो कितने हुए हैं और धर्म की बात तो कितने ने की है लेकिन उनका जो भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति जो एक आंतरिक प्रेम एक आत्मिक प्रेम और एक अलौकिक प्रेम था जो कि कि उनको अमर बनाया है तो मैं सोचती कि ये गांधी हो विवेकानंद हो और जो भी ऐसे लोग जिनको मैं थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत उनको समझने की कोशिश करती हूँ तो ये सब जो सारी बातें हैं ना ये जो दुनिया की बातें हैं दुनिया का जो जो लोभ है दुनिया का जो प्रतिष्ठा है दुनिया के जो और भी जो ऐसे ऐसे जो प्रलोभन है उससे मन मुक्त जैसा लगता है और लगता है ये सब में कोई दम नहीं है ये सब ये सब सिर्फ दिखावटी है नहीं पर आपका ये बहुत इंस्पायरिंग विचार है कि भाई जितना भी छोटा प्रयास कोई कर सके उसकी अहमियत को उसकी अपनी एक भूमिका को कभी कम नहीं समझना चाहिए कुछ नहीं करने से तो बेहतर है जी और, और अभी हम लगातार लगी रहेंगे जी। हम जैसे मेरे लिए मेरे लिए कोई इवेंट नहीं होना चाहिए कि जैसे हम कोई इवेंट्स कर रहे हैं ऐसा नहीं वो हमारे लिए कोई फोटो खिंचाने का काम नहीं है हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंटरव्यू दे दें अपना और हम कुछ एक कुछ फोटो खिंचाने में पेपर में आ जाए मेरा कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हम जिस काम को समझते हैं कि ये सही है और अच्छा है और मानवीय है हर पहल हर काम के पहले ये देखना चाहिए कि ये आदि मानवीय है तो मुझे लगता है कि वो जीवन भर लगा देने की जरूरत है एक एक जीवन 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 होता ही कितने दिनों का है तो यदि हम इस पूरे जीवन को कैसे लगाए तो तब जाकर कुछ होगा तो तब छोटे स्तर का भी काम कुछ हो पाएगा लेकिन हम इवेंट्स की तरह हम एक एनजीओ की तरह और हम एक ऐसा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो फोटो में ही रह जाएगा वो उस ठोस धरातल पर फिर नहीं आ पाएगा और शायद सूरत भी नहीं बन पाएगी तो इसके लिए जहाँ भी जो भी जैसे हो लगातार करते रहें। और युवाओं के पास अधिक समय है तो वो और लंबे समय तक कर सकते हैं और बदल सकते हैं बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है बहुत खूब बहुत खूब ये जो आपका राष्ट्र बिहारी श्री राष्ट्र बिहारी मिशन ट्रस्ट है और आपका एक महात्मा गांधी विद्या संस्थान भी है इनके बारे में आप कुछ बताएंगे कि वहाँ किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि आपके पति ने कुछ ज़मीनें दान में दी और उन पे ये संस्थाएं चल रही हैं तो थोड़ा इनके बारे में बताइए जी मेरे ये मिशन एक पच्चीस साल पहले एक ट्रस्ट बनाया मैंने और उसके उसके अंदर तीन CBS सी बी एस ई विद्यालय है एक बिहार के तीन जिलों में एक भागलपुर एक बांका और एक समस्तीपुर और ये तीनों ही जो है वो बहुत ही गांव में है जहां पर जिस जैसे समस्तीपुर का जो विद्यालय है वो अति दलितों के बीच और महादलितों के बीच में खोला गया उस जमीन को मेरे पिताजी ने दो एकड़ जमीन मुझे दिया था तो उस जमीन को पर मैंने वो मेरी मन में बस एक बात बहुत आती थी कि मैं एक अलग ढंग से सोचती थी कि जैसे बच्चों के लिए मैं सोचती थी कि जैसे हम हम पढ़े मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही गाँव के बच्चों को पहले मैं उस तरह से पढ़ा पाऊ जैसे उनको भी कंप्यूटर जान सके उनको भी तो मैं तीनों विद्यालय में उसको बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था की और जब छुट्टियां हो जाती हैं उस विद्यालय में तो उसमें एक को तो ट्वेल्थ का सीबीएसई से मान्यता भी मिल गई है एक को मिलने वाली है और वो जब छुट्टियां हो जाती हैं तो उसी विद्यालय में उस अगल बगल गांव की महिलाएं आ जाती हैं जहां पर कि वो ट्रेनिंग सिलाई सेंटर चलने लगता है तो वो सिलाई सेंटर लगभग हाँ, लगभग पंद्रह सालों से वो सिलाई सेंटर लगातार चलता रहा और हजारों महिलाओं ने सिलाई सेंटर में और वो भी मैं इस बताना चाहूंगी कि बहुत कम पैसे में मैंने एक मास्टर से जो टेलर मास्टर थे जो बूढ़े हो रहे थे मैंने उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को सौंप दें और हमारे यहाँ आप तीन घंटे के लिए काम करें और जो आपको एक प्रा... जो आपके लिए एक मानदेय होगा वो दिया जाएगा तो आने लगे और एकदम वो एक स्कूल की तरह चलने लगा और लगातार चलता रहा तो मैं इसके लिए लगातार सब पे जोर देती हूँ कि जैसे कोई भी काम होता है हम देखते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं समाज में तो दो महीने तीन महीने चलते हैं और वो इवेंट्स की तरह समाप्त हो जाते हैं और ये जो लगातार चलने वाला काम है जैसे एक ब्यूटी पार्लर है तो जिसमें अभी तक 500 लड़कियां सीख चुकी हैं और लगभग 400 लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर मैंने एक ब्यूटी पार्लर खोला और वो भी एक ऐसी लड़की मेरे पास आई जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी तो ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से और, और कम कम पैसों में कम पैसों में कैसे काम किया जा सकता है एक पार्लर खोलकर और उसको कैसे बनाया एक सिलाई सेंटर चलाकर कैसे कि महिलाएं जो दस रुपये साबुन के लिए बोलती थी कि मेरे पति मुझे नहीं देते तो उनके उनके एक सम्मान के साथ जीने की बात हुई तो ये सब बहुत कम खर्चों में और उसी तरह से विद्यालय में आधे बच्चे को फीस नहीं लगना है उन लोगों की फीस की भी हम लोग तैयारी करते हैं खास करके लड़कियों के के लिए जैसे यदि हम लोग सौ बच्चों को पढ़ाते हैं तो अस्सी उनमें लड़कियां होती है तो लगभग अभी भागलपुर के स्कूल में सौ बच्चे लगभग हैं 500 बच्चे हैं और दूसरे स्कूल में महात्मा गांधी विद्या संस्थान में भी तो इस तरह से बच्चे है और हमारी तीस बापू पाठशाला है एक हमारा और ट्रस्ट है बा बापू सेवा ट्रस्ट तो अभी जैसे हाँ जैसे वो बिहार में यूपी में और उड़ीसा में भी दो दो जगहों पे जहाँ पे वो बाबा को पाठशाला पढ़ाए जाते ढाई घंटे का चलने का पाठशाला है एकल पाठशाला और जिसमें ढाई घंटे तक उन बच्चों को जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए पाठशाला चलाया जाता है और ये पाठशाला चलाना बहुत ही हम लोगों के लिए एक सुखद परिणाम के रूप में सामने आया है हम लोग के सामने तो वो बच्चों को रघुपति राघव राजा राम की प्रार्थना दो मिनट की होती है और शनिवार को उनसे कहानी चित्रकला और वो सब करते हैं और और वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में उनकी एक अलग तरह से मनाते हैं और जो हम लोगों को एक अलग तरह की खुशी भी देते हैं वो, वो तो मनाते हैं और हम लोग उसमें शामिल होकर और उसको देख कर और उसमें इसमें भी बाबापू पाठशाला में भी था कि डेढ़ सौ पाठशाला मिलेगी तो हम लोग डेढ़ सौ पाठशाला करेंगे लेकिन एक तो कोरोना आ गया और फिर ऐसा बहुत अधिक ये अभी नहीं हो पाया लेकिन अभी सोचा जा रहा है कैसे करें एक गांधीवादी हैं उन्होंने इस पे बहुत मदद भी की है इस काम को करने में और बहुत ही लगे हुए हैं <laughs> जैसे आपने मैं... कहा कि लगे रहना चाहिए तो मैंने बिल्कुल, बिल्कुल इसलिए सोचती हूँ कि ये आई थिंक राजू ही ने काफी वो राष्ट्र को राष्ट्रों को नहीं कहने मानवता को सेवा की ये इस फ्रेज को पॉपुलराइज करके उसने फिर फेल फिल्म बनाई ना लगे रहो मुन्ना भाई जी जी, जी 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 तो जी जी, जी मैं मानती हूँ कि ये लगे रहो की जो एक एनर्जी है वो बहुत प्रेशस है और जी इसका आप में उसका मुझे साक्षात्कार हुआ उसके लिए मैं बहुत आई शुक्रिया आपको वेरी ऑनर्ड दरअसल दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो अपनी एक बात नहीं कह पाई जी मैं बहुत ही आस्तिक हूँ और ईश्वर पे बहुत विश्वास करती हूँ और इसके लिए मैं कभी निराश नहीं होती और मुझे लगता है कि वो वो है ईश्वर है और जो कृष्ण के नाम पर हो अल्लाह पर अल्लाह के नाम पर हो ईश्वर गॉड जो भी हो लेकिन मैं कृष्ण के नाम पर उनके साथ जुड़ी हूँ तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि मेरी यात्रा मोहनदास से लेकर मोहन के बीच में झूलती रहती है तो वो जो मोहन है वो मुझे कभी भी निराश नहीं होने देता और ये जो मोहनदास है ये मुझे रास्ता दिखाते रहते हैं कि सही के रास्ते पे चलो बहुत खूब बहुत खुश बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे जी मुझे भी पूरी उम्मीद है और हम मिल, जल्दी मिलेंगे आपका बहुत शुक्रिया जी आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत आपके अच्छा अच्छा लगा। चेहरे पर आपके चेहरे पर एक अलग तरह का उल्लास मुझे दिखा है वो उल्लास मुझे बहुत ही प्रभावित कर रहा है बहुत बहुत शुक्रिया